तभी बहुत एक तरह से स्क्रूटनी हुआ करती थी, क्रिटिसिज्म बहुत हार्श हुआ करता था। बट आई थिंक इज़ वेरी अनफेयर। ट्रोलर्स का अगर आप कहीं पर भी उसमें लॉजिक ढूंढने जाओगे तो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। जो आपकी को स्टार तनुश्री थी, उन्होंने एक मी टू मूवमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने आपकी तारीफ़ करते हुए कहा था कि जब उन्होंने फर्स्ट फिल्म आपके साथ शूट की तो आप बहुत रिस्पेक्टफुल थे टूवर्ड्स वुमेन एंड शी रियली एंजॉयड वर्किंग विद यू। बट कहीं ना कहीं जो उनकी फ़र्स्ट फिल्म थी उसके लिए उनको कई अभी भी नेगेटिव कॉमेंट्स मिलते हैं। आशिक बनाया आपने, जो आपके साथ ही, हालांकि वो फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, आपकी केमिस्ट्री भी पसंद की गई थी, तो उनको इस बात से थोड़ा फ्लैक मिलता है और वो इस बात का जवाब दे के बोलती है कि जो हुआ था मेरी कंसेंट से हुआ था, जैसे भी सीन्स शूट हुए थे, एंड शी वॉज वेरी कंफर्टेबल विद यू। सो हाउ डू यू फील कि जब एक वुमन को उसके लाइक फिल्म में जैसे उसने रोल किया उससे जज किया जाता है? आई थिंक तभी वो बात हुआ करती थी क्योंकि तभी सेक्शुअलिटी फिल्मों में अगर आपने एक इरोटिक फिल्म है तो तभी बहुत एक तरह से स्क्रूटनी हुआ करती थी, क्रिटिसिज्म बहुत हार्श हुआ करता था। एक्चुअली अभी भी आई वुड इमेजिन अभी और होता क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ गया है, लेकिन एक तरह से हमारा सिनेमा भी इवॉल्व हुआ है कि तो अगर उस किस्म की फिल्म आज बनती आशिक बनाया आपने तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे तो आता ही, बट उस वक्त आई थिंक देयर वाज सर्टन मोर कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट एज विथ फिल्म्स, क्योंकि ऐसी फिल्में लोगों ने पहले देखी नहीं थी, मर्डर हो या आशिक बनाया आपने हो। But I think it's very unfair if people have said it. I don't know अगर उन्होंने तब कहा था या अब बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से जब नाना पाटेकर का सीन हुआ तो पीपल वर लाइक कि नाना पाटेकर के साथ आपको सीन करने में प्रॉब्लम थी, लेकिन जब अपने इमरान हाशमी के साथ किया तो बहुत ही बुरे कमेंट्स, मतलब बोलना भी जायज़ नहीं। सोशल मीडिया का लोगों का काम है, सोशल मीडिया पे वो ट्रोलर्स का अगर आप कहीं पर भी उसमें लॉजिक ढूंढने जाओगे तो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। दे बेसिकली people who are frustrated with their own lives, तो उसको मैं even मेरे social media account पे I don't really pay attention to those people. I don't think the media should pay attention to that. I don't think Tanushree should pay attention to that. वो अगर कोई कंप्यूटर पर बैठ के इस तरह की चीज़ें लिख रहा है, he has to be seriously frustrated or jobless, क्योंकि any productive person इतना time निकाल के ऐसा criticism internet पे नहीं डालेगा। एंड उनके लिए भी एक बहुत ही सेफ्टी नेट है ना, क्योंकि वो तो कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे हैं, दे आर कावर्ड्स, वो कभी आपके सामने मुंह पे बात नहीं बोलेंगे, इसलिए वो डरते हैं, इसलिए उनको एक कंप्यूटर का एक जरिया मिल जाता है तो वो कमेंट करते रहते हैं। तो पीपल शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट।